हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो पॉस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो भी एनर्जी होती है वो हमेशा कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअसली सप्लाई होती है। ठीक है, या तो डिसकंटिन्यूअसली सप्लाई होगी, और अगर रिलीज होगी तब भी कैसी होगी, डिसकंटिन्यूअस। तो एनर्जी इज सप्लाइड और एमिटेड डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटा। ठीक है, तो पहला पॉस्टुलेट क्या है, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड डिसकंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, क्वांटा या फिर क्वांटम, मतलब अगर आप ये मेटल सरफेस लेते हैं, इसके ऊपर कोई भी रेडिएशन फॉल कीजिए, तो ये मेटल सरफेस कंटिन्यूअसली एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जो रेडिएशन है उसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होंगे, जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्वांटा। तो ये क्वांटा इस मेटल पे फॉल करेगा और मेटल क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो एनर्जी हमेशा डिसकंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज क्वांटा। सिमिलरली अगर मेटल रेडिएशन एमिट करता है तब भी ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में एमिट करेगा, विच इज नोन एज क्वांटा। ठीक है, तो कभी भी एनर्जी कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं होगी, कंटिन्यूअसली एमिट नहीं होगी, वो हमेशा डिसकंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास। क्वांटास क्या है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं जिनको हमने नाम दे दिया है क्वांटास। ठीक है, जैसे आप एक गन से बुलेट फायर कीजिए, ठीक है, तो बुलेट के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है, छोटा सा एक पार्टिकल है जिसके अंदर क्या है, एनर्जी है। तो इसी तरह से लाइट रेडिएशन में भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट है कि अगर आप एनर्जी सप्लाई करते हो लाइट में, लाइट की फॉर्म में, ठीक है, इफ एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट के केस में, मतलब लाइट एनर्जी के केस में हम क्वांटास को क्या नाम देते हैं, फोटॉन्स। अगर हम एनर्जी सप्लाई करेंगे लाइट फॉर्म में, लाइट एनर्जी, ठीक है, रेडिएशंस फ्रॉम द सन, तब हम क्वांटा को क्या नाम दे दिया करेंगे, फोटॉन्स। तो अगर इन जनरल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा, लेकिन अगर एनर्जी सप्लाई की गई है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तब हम क्वांटा को क्या बोलेंगे, फोटॉन्स, वही पैकेट्स ऑफ एनर्जी बट नोन एज फोटॉन्स, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो फोटोन है या जो भी क्वांटा है, फोटोन या जो भी क्वांटा है, उसके पास एनर्जी होती है, ये पढ़ लिया हमने, वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटा के हमने कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर दिया, इज इक्वल टू एच न्यू, एच को हम क्या नाम देंगे, हमारा प्लैंक कॉन्स्टेंट, और इसकी क्या वैल्यू हुआ करेगी, 6.62 × 10⁻³⁴ जूल्स सेकेंड। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो भी हम फोटोन लेते हैं उसके अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, प्लैंक कॉन्स्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 6.62 × 10⁻³ जूल्स सेकेंड। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो न्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, सी बाय लैम्डा के। जो न्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, सी बाय लैम्डा के। ये इक्वेशन नंबर वन हो गई, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई, ये वैल्यू हम किसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर वन में। तो E की वैल्यू क्या आ गई, H न्यू था, न्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, C बाय लैम्डा। तो एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास एनर्जी का, क्या, एच सी बाय लैम्डा। तो ये दो फॉर्मूलाज एनर्जी के आपको हमेशा याद रखने। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं।
अगला पॉइंट क्या कहता है कि जब भी हम एनर्जी देंगे तो उसके अंदर क्या है, फोटॉन्स हैं। अब जैसे हम इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते, इसी तरह से हम फोटॉन को भी तोड़ नहीं सकते। अगर एक फोटॉन एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है तो एनर्जी का चेंज कितना आएगा, एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। अगर एन फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू या एन एच सी बाय लैम्डा, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटास या फिर फोटॉन। ठीक है, तो जो भी एनर्जी सप्लाई होगी या रिलीज होगी वो इंटेग्रल मल्टीपल्स होगी ऑफ एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा, वेयर एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स और क्वांटास एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। ठीक है, इजी सा टॉपिक है। तो ये चार पॉस्टुलेट्स आपको याद रखने हैं, सिंपल सी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। इससे हमारा रिजल्ट क्या है जो हम आगे यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू फॉर वन क्वांटा एंड एन एच न्यू फॉर एन नंबर ऑफ क्वांटास। ठीक है, या फिर हम एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, यहां से E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, या फिर E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा फॉर एन क्वांटास। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हम क्या पढ़ चुके हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला बना चुके हैं, और वेव नंबर इज इक्वल टू वन बाय लैम्डा। तो ये तीन चार फॉर्मूलाज हम डेवलप कर चुके हैं जिनके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरी वेबसाइट से असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए, असाइनमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं, उससे पहले आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं और कितनों में डाउट आता है, उसके बाद वीडियो वॉच कीजिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।